दुनिया की नजर में शराब का नशा भले ही खराब हो, लेकिन इसे बेचने का नशा लोगों को सिर चढ़कर बोलता है। आलम यह है कि राजस्थान में शराब की दुकानों के लिए बाहरी राज्यों के लोग भी लॉटरी में दुकान पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसमें शराब तस्करी की आड़ में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी आवेदन आ रहे हैं। पीना पाप हो सकता है, लेकिन बेचना मुनाफे का सबसे बड़ा सौदा। इसलिए दूसरे राज्यों की सख्त नीतियों के चलते शराब ठेकेदारों ने राजस्थान का रुख किया। यूपी, हैदराबाद, तमिलनाडु और हरियाणा में रहने वाले कई लोगों ने शराब दुकानों के लिए दावेदारी की है, जिसका असर राज्य सरकार के राजस्व में भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, मध्य निषेध राज्य गुजरात से भी इस कारोबार में भाग्य आजमाने वालों की कमी नहीं है। आबकारी विभाग के पास अब तक 75,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जबकि एक दुकान के लिए आवेदन का शुल्क 30,000 रुपए रखा। नहीं, जो पॉलिसी हमारी आई है उसको देख के, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उनकी पॉलिसी और उसकी राजस्थान की पॉलिसी में काफी अंतर है, तो उससे काफी ज्यादा उत्साहित हैं वो लोग और यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में वो लोग फॉर्म भरने वाले हैं। अब तक उत्तर प्रदेश से 1,207, हरियाणा से 1,171, पंजाब से 178, मध्य प्रदेश से 2,367, गुजरात से 475 सहित कई राज्यों से आवेदन आए। बिहार में शराबबंदी के बाद वहां के कारोबारियों ने राजस्थान की तरफ रुख किया। ऐसे लोगों ने राजस्थान में रह रहे अपने परिचित या रिश्तेदारों के जरिए माध्यम से आवेदन किए। जानकारी के अनुसार इन आवेदनकर्ता की उपस्थिति, दुकानों पर कब्जा कर उनकी आड़ में तस्करी करना। सभी आवेदनकर्ता बड़े कारोबारी हैं, जो यहाँ व्यवसाय का नया ठिकाना चाहते हैं। देसी में इस बार राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान मेड लिकर का प्रोविजन किया है, उसको लेके भी काफी उत्साह है लाइसेंसीज में, और लोग इस बार काफी उत्साहित हैं कि सब इस बार लेंगे। हमारे पास तो ये भी लोग बाहर से, हरियाणा और पंजाब से भी कहना लोग आ रहे हैं, और उन्होंने भी काफी डिटेल में हमसे चर्चा की है कि साहब वो इंटरेस्टेड हैं उसको लगाकर। आबकारी विभाग ने 12 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू किया, जिसकी अंतिम तारीख 27 मार्च तक, लेकिन लगातार मिल रहे आवेदनों की वजह से विभाग तारीख बढ़ा सकता। बहरहाल लंबे समय से भले ही शराबबंदी की मांग उठती रही हो, लेकिन मुनाफे के सौदे में कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। इसलिए जिन राज्यों में सख्त नीतियों के चलते शराब नहीं बेची जा सकती, उन शराब ठेकेदारों ने राजस्थान का रुख कर लिया। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।